हेलो एवरीवन, सो आज हमारे पास एक लॉजिक बोर्ड है मैकबुक प्रो का 2017 का। इसका बोर्ड नंबर है 8200840-A। सो इस बोर्ड के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है कि ये डिवाइस जो है 20 वोल्ट पे स्टक है बट चालू नहीं हो रहा है। चलिए मैं कनेक्ट करता हूँ इसको डीसी पावर सप्लाई से, देखते हैं क्या इशू है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डिवाइस है एक्चुअली ये 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट ये स्विच हो रहा है बट इसके लिए टर्न ऑन नहीं हो रहा है। आप PCPS में देख सकते हैं यहाँ पर 0.045 मिली एम्प करंट ड्रॉ हो रहा है। सो इस पे आपका जो है एक्चुअली डिवाइस टर्न ऑन नहीं होने वाला है। सो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या इशू है उसमें। सो जैसा आप लोग जानते हो एक्चुअली कि जब ये 20 वोल्ट पे स्विच हो जाता है उसके बाद में इसका 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का जो सर्किट होता है दैट इज मैंडेटरी टू टर्न ऑन। सो लेट्स चेक इफ दैट इज टर्निंग ऑन आर नॉट। सो गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है एक्चुअली, ना 5 वोल्ट्स आ रहा है ना 3 वोल्ट्स आ रहा है। सो अब हम लोग चेक करेंगे इसका पीपी बस। पीपी बस पे एज वी कैन सी एक्चुअली इसका जो वोल्टेज है एक्चुअली 1.190 आ रहा है। सो इसका मतलब है कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद द चार्जिंग आईसी, इसमें पीपी बस आपका जनरेट नहीं हो रहा है। सो चलिए हम लोग अब देखते हैं सेमटिक्स इसका ओपन करेंगे। इसका बोर्ड नंबर है 840। का जैसा आप लोग देख सकते हैं एक्चुअली CD3215 पे भी ऑलरेडी प्रीवियसली काम किया हुआ है एंड इवन इसका जो चार्जिंग आईसी है उस पे भी काम किया हुआ है। इसका पोर्ट भी जैसा हम लोग देख सकते हैं कि पोर्ट जो है इसका वो रस्टेड है एक्चुअली। सो अब मैं इसका जो चार्जिंग आईसी है U7000 मैं उसको चेक करूंगा। U7000 Okay, so now हम लोग चेक करेंगे U7000। So सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे PPDC कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं। सिंपली एज वी कैन से कि PPDC इसका जो है वो तो 20 वोल्ट पे स्विच होने के बाद 20 वोल्ट ही आएगा। जो MOSFET है आपका 1, 2, 3 एंड 13 नंबर,
इसके ऊपर आप चेक कर सकते हो कितना वोल्टेज आपका जनरेट हो रहा है। सो इसका जो 2 नंबर का साइड है, 2 नंबर के साइड्स पे आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मुझे मिल रहा है जो सप्लाई एक्चुअली 19.29 वोल्ट्स, इट्स अराउंड 20 वोल्ट्स मिल रहा है मुझे। सो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चार्जिंग आईसी के ऊपर। ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग आईसी के ऊपर इसके चेक करेंगे। यहाँ पर वी इन है एक्चुअली Q7030, जहाँ से आपका 20 वोल्ट्स इन होगा PPDC इन फ्रॉम USB-C सोर्स। सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर 2 रजिस्टर हैं, दैट इज कॉल्ड CSIP एंड CSIM, करंट सेंस पॉजिटिव एंड करंट सेंस नेगेटिव। सो ये मैंडेटरी है एक्चुअली, अगर यहाँ पर कुछ आपके इशू हुए तो आगे का सर्किट टर्न ऑन नहीं होने देगा। सो सबसे पहले बिफोर गोइंग अहेड ये सर्किट हमें चेक करना है। CSIP एंड CSIN पे एक्चुअली बिल्कुल ना के बराबर पावर आ रहा है। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग एक्चुअली। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको चेक करेंगे। चलिए हम लोग अब चेक करेंगे इसका PPDC_G3H, जो रजिस्टर है PPDC_G3H का R7015 है। इसके ऊपर इसको बोर्ड में चेक करेंगे कहाँ पर है एग्जैक्टली। सो चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर है इसका रजिस्टर। सो कनेक्ट करेंगे पावर केबल, हम चेक करेंगे। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी 2.720 आ रहा है। सो कुछ तो भी इशू है यहाँ पर एक्चुअली, ये इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका 19 वोल्ट जनरेट हो रहा है आपके CD3215 के फ्यूज़ पर। वहाँ पर एक MOSFETs लगा हुआ है, वहाँ से वो स्विचिंग करके फिर वहाँ से स्विचिंग करने के बाद में ये एक सप्लाई जनरेट करता है जिसका नाम है PPDC_G3H। यहाँ पर आपका 20 वोल्ट होना चाहिए एंड देन उसके बाद में आपकी चार्जिंग आईसी जो है ये टर्न ऑन होगी।
बायस हैज बीन फिक्स्ड सक्सेसफुली. सो फिर से मैं एक बार इसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ PCBs से. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक्चुअली ये PCB आपका डाउनलोड हो गया है. इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर का इशू था, बट इसके अंदर ऑलरेडी काम किया हुआ था CD3215 पे एंड चार्जिंग MCB. सो दोनों चीज़ें रिप्लेस थी पहले से ही, बट यहाँ पर एक रजिस्टर ख़राब था एक्चुअली. सो जो फाइंड आउट नहीं हो सका था एक्चुअली प्रोग्रेसिव जो रिपेयर कर रहा था इंजीनियर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका जो लॉजिक बोर्ड है आपका टर्न ऑन हो चुका है.